हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिंपल फ्लफी एग ऑमलेट। ये बहुत सिंपल है और इजी है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो बारीक कटा हुआ हो, और उसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए नमक। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे इसमें, क्योंकि अंडा का जो स्मेल होता है वो हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालने से वो स्मेल नहीं आता है। उसके बाद हम यहाँ पर स्पाइस के लिए थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके डालेंगे, और फिर इन सबको शेक करके मिला देना है। फिर हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडे हम ऐसे फोड़ कर डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं। इतने 6 अंडे के लिए इतने से प्याज बहुत है। आप ज़्यादा प्याज डालेंगे तो अंडा जो है वो फ्लिप नहीं होगा, इसीलिए प्याज की क्वांटिटी अंडे के हिसाब से थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए। उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और लुक भी अच्छा आता है। फिर हम इस सभी चीज़ों को अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अंडे को बहुत ज़्यादा फेंटना है ताकि अंडा ऑमलेट जो है वो बहुत फ्लफी बने। अब हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम एक पैन गरम कर लेते हैं। उसमें 2 चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को थोड़ा सा गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल गरम होता है हम थोड़ा सा अंडे का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। हम 3 ऑमलेट बना रहे हैं तो 6 अंडों में हमने यहाँ पर 3 ऑमलेट बनाना है। अब हमने गैस की फ्लेम को बहुत लो पे रखा है क्योंकि अंडा जो है वो नीचे से भी पकना चाहिए। 2 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो अंडे का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे और आप देख सकते हैं नीचे कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आया है और ये ऑमलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। अंडे का जो नीचे वाला पार्ट है बस उसी को थोड़ा सा पकाना है 2 मिनट के लिए। ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी हाफ कुक हो जाता है, और उसके बाद जब हम पलटते हैं फिर उसको बस 1 या 1/2 मिनट तक पकाना है। बस अंडे का ऑमलेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरा ऑमलेट डालेंगे। उसके लिए भी हमने थोड़ा सा मिक्सचर डाला है, हाफ डाला है। अब इसमें जो बीच में रह गया ज़्यादा ऑमलेट का जो मिक्सचर, अब हम इसको पैन को थोड़ा सा टिल्ट करके बाकी जगह में जहाँ पे खाली है वहाँ पर ये जो ऑमलेट का मिक्सचर है वो डाल देंगे, ताकि ऑमलेट जो है वो गोल बने और अच्छा बने। और अब हम इसको भी पलट देंगे। अब हम इसमें लास्ट वाला ऑमलेट डालेंगे, तो जो बचा हुआ मिक्सचर है हम वो सारा इसमें डाल देंगे। तेल हमने बस 1 चम्मच लिया है लास्ट में, और इसको भी सेम हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए नीचे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसको भी हम फ्लिप कर देंगे तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालकर अंडे का ऑमलेट बनाना बताया है। आप इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दी गई हुई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।